नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दुआ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निक्षरता के 21 प्रकारों, उनके पहचान के लक्षण हम सीखेंगे। दोस्तों, दिव्यांगजन के 2016 में 21 प्रकार या 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को विभाजित किया गया है। इनका हम वन बाई वन अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कौन सी डिसेबिलिटी वो है, उसका नाम क्या है और उसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, मानसिक मंदता जिसे बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, और इसमें दोस्तों बच्चे में समझने बोलने में कठिनाई होती है और किसी बात को अभिव्यक्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। दोस्तों, ऑटिज्म सेकंड जो डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म, इसमें किसी कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, यानी दोस्तों जो बच्चा है वो किसी एक ही वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाना, यानी दोस्तों बच्चा है वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है गुमसुम रहना, यानी बच्चा खुद में ही लीन रहता है, मतलब वो किसी से बातें करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है तीन नंबर सेरेब्रल पॉलिसी, या दोस्तों इसको पोलिया या इसे नई इंजरी भी बोलते हैं। इसकी पहचान है दोस्तों पैरों में जकड़न, यानी उसके जो पैर हैं वो उस पर जकड़े हुए होंगे, या चलने में कठिनाई, यदि पैरों में जकड़न है तो उसको चलने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है हाथ से काम करने में कठिनाई, तो दोस्तों उसके हाथ और पैरों में भी जकड़न हो सकती है जिससे उसको हाथ से काम करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। ये थी सेरेब्रल पॉलिसी। नेक्स्ट है मानसिक रोगी, यानी मेंटल इलनेस, तो दोस्तों इसमें जो बच्चा होगा, जो दिव्यांगजन बच्चा है, उसका अस्वाभाविक व्यवहार होगा और खुद से बात करना, वह खुद से बात करता रहेगा, भ्रम जाल या मति भ्रम, व्यसन नशे का आदि, या किसी से डर भय या गुमसुम रहना, ये सभी इसकी जो पहचान है वो मानसिक रोगी की है। भ्रम जाल यानी वो खुद नए नए सपने देखता रहता है, उसके उसी भ्रम में वो उलझा हुआ रहता है। दोस्तों नेक्स्ट है श्रवण बाधिता, जिसे HI हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं, श्रवण बाधिता। इसमें दोस्तों बहरापन, यानी बच्चे को सुनाई नहीं देता है और ऊंचा सुनना, या उसको जोर से बोलने पर ही सुनाई देता है, या कम सुनना, ये सभी पहचान श्रवण बाधिता की है। नेक्स्ट है मूक निक्षकता, इसमें बोलने में कठिनाई, तो दोस्तों जो बच्चा होगा उसको बोलने में कठिनाई होगी, यानी वो बीच में कट कट करके बोलेगा, यानी वो हकला के भी बोल सकता है, सामान्य बोली से अलग बोलना, और जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते, यानी वो जो अपनी बात कह रहा है वो एक साफ भाषा में नहीं कह पाता है, यानी वो रुक रुक के बोलता है। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित, जिसे विजुअल इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों देखने में कठिनाई होगी बच्चे को, या बच्चा किसी वस्तु को बिल्कुल नज़दीक से देखेगा, या पूर्ण दृष्टिहीन, यानी पूर्ण दृष्टिहीन या वो टोटली ब्लाइंड होगा तो वो दृष्टि बाधिता में आएगा। नेक्स्ट है अल्प दृष्टि, इसे बोलते हैं दोस्तों लो विजन, यानी कम दिखना। दोस्तों वो जो बच्चा थोड़ी ज़्यादा दूरी से देखता है, मतलब इतनी दूर से या बिल्कुल पास में देखता है, तो वो अल्प दृष्टि में आएगा। 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना, यह भी एक कारण है अल्प दृष्टि का, या इसकी पहचान है। नेक्स्ट है चलन निक्षता, यानी चलने में कठिनाई, हाथ या पैर अथवा दोनों की निक्षकता, या वो हाथ या पैर या दोनों से ही दिव्यांग होगा तो वो चलन निक्षता के अंदर आएगा। नेक्स्ट है लकवा, इसमें दोस्तों इसकी पहचान लकवा भी है, हाथ या पैर कट जाना, हाथ या पैर यदि कट गए हैं तो वो इस डिसेबिलिटी में आएंगे। नेक्स्ट कुष्ठ रोग से मुक्त, दोस्तों कुष्ठ रोग वाला नहीं, कुष्ठ रोग से मुक्त जो व्यक्ति है वो भी एक दिव्यांगता में आता है, तो उसे बोलते हैं कुष्ठ रोग से मुक्त। हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति, दोस्तों जो बच्चे होंगे या कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ या पैर में गांठे से बनी होगी, यानी वो कुष्ठ रोग से मुक्त होगा, या टेढ़ापन या शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, एक धब्बे होते हैं रंगहीन, वो भी कुष्ठ रोग से मुक्त के रोग में आएगा।
हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाना, ये भी एक पहचान है कुष्ठ रोग से मुक्त की दिव्यंगता में। नेक्स्ट है 11 नंबर बोनापन। दोस्तों बोनापन भी एक विकलांगता है। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे कम होना। दोस्तों जब व्यक्ति 18 या 21 वर्ष का हो जाता है तो भी उसकी हाइट है जो 4 फुट 10 इंच या इससे कम होगी तो वो बोनापन के अंदर आएगा, उसमें विकलांगता होगी बोनापन की। नेक्स्ट है तेजाब हमला पीड़ित। जो एसिड अटैक वाले हैं वो भी दिव्यांगता के अंदर आते हैं, यानी शरीर के अंग, कोई भी अंग हो, हाथ पैर आँख आदि, तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना। यदि तेजाब के हमले से यदि उसके शरीर के कोई भी अंग प्रभावित हो गया है तो वो तेजाब हमला पीड़ित दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है मांसपेशी दुविकास, यानी दोस्तों इसमें बच्चों में मांसपेशियों में कमजोरी व विकृति आ जाती है, तो मांसपेशी दुविकास ये एक प्रकार की विकलांगता है, दिव्यांगता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी बच्चों में बोलने, श्रुत लेख, लेखन, साधारण जोड़ बाकी, गुणा भाग में आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई यदि बच्चों में उत्पन्न होती है तो उसे हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। यानी कोई बच्चा 8वीं का कक्षा में पढ़ रहा है और वह दूसरी या तीसरी के जो लेवल का जो स्टडी मटेरियल है यदि उसको वह नहीं कर पाता है तो वह स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट है बौद्धिक निष्ठा, यानी बौद्धिक दिव्यांगता। इसमें दोस्तों सीखने या कोई समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई हो तो वह बौद्धिक दिव्यांगता में आएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिमाग और रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। दोस्तों बच्चों में यदि रीढ़ की हड्डी और दिमाग में जो उसकी जो कंट्रोल है वो यदि नहीं हो पाता है तो वह मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आएगा। नेक्स्ट है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग में हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तांत्रिक तंत्र और प्रणाली संबंधी कठिनाई। इन दोस्तों बच्चे में तांत्रिक तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई होगी, हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न होगी तो वह पार्किंसंस रोग में आएगा। नेक्स्ट है हेमोफीलिया या अधि रक्तस्राव। दोस्तों इसमें जो इसकी जो पहचान है वो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव, यानी अत्यधिक रक्त स्त्राव हो जाएगा और रक्त बहना बंद नहीं होना, यानी कोई चोट लग गई और रक्त बंद नहीं हो रहा है तो वह हीमोफीलिया में आएगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। इसमें खून में हीमोग्लोबिन की विकृति या खून मात्रा कम होना या उनको बार बार हर हफ्ते खून को चढ़ाना पड़ता है उसे बोलते हैं थैलेसीमिया, तो वह थैलेसीमिया की दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर स्किल सेल डिजीज, यानी इसमें दोस्तों खून की कमी अत्यधिक या अत्यधिक कमी हो जाए खून की तो वह स्किल सेल डिजीज में आएगा, या खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब हो जाना तो वह भी स्किल सेल डिजीज रोग में या इस दिव्यांगता में आएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी बहुनिष्ठता। तो इसमें दोस्तों दो या दो से अधिक जो दिव्यांगता हो तो वह मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। दोस्तों आज हमने दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार और उनके पहचानने के लक्षण को हमने सीखा। धन्यवाद दोस्तों।